SIS की तरफ से बोला जाता है कि हम लोग लोकल लोग को नहीं लेंगे। सिक्योरिटी का बहाली हुआ, 20 से 30 लोगों को नौकरी मिला, जिसमें एक भी प्रभावित क्षेत्र के लोगों को नौकरी नहीं दिया गया। ऊपर साथ ही साथ बोकारो के उपायुक्त तो महोदय, उनको भी हम लोग एक लिखित तौर पे शिकायत दिए हैं कि जो भी बहाली हो उन बहालियों में विस्थापित, रैयत और प्रभावित क्षेत्र के लोगों को पहले प्राथमिकता दिया जाए। जो प्रभावित क्षेत्र के जो लोग हैं, हो सकता है कि आक्रोशित होंगे और आक्रोशित होने से विधि व्यवस्था खराब हो सकती है। हम सरकार से पर हमारे बोकारो प्रशासन से विशेष आग्रह करेंगे, महोदय डीसी महोदय से विशेष आग्रह करेंगे कि इन मुद्दों पर अपना ध्यान आकर्षित करने का काम करें। और नमस्कार जोहार, आज हमारा अगर फराक सामने आया कर इतने कारण हो कि जे 1 तारीख से पर्वतपुर में JSW जो कंपनी आई लाओ, BCL के जो अधिग्रहण कर लो, उसमें सिक्योरिटी का बहाली हुआ। सिक्योरिटी का बहाली में 20 से 30 लोगों को नौकरी मिला, जिसमें एक भी प्रभावित क्षेत्र के लोगों को नौकरी नहीं दिया गया। ऊपर से SIS की तरफ से बोला जाता है कि हम लोग लोकल लोग को नहीं लेंगे। इससे लोग आकर्षित होकर जोहार सिरपुर फाउंडेशन की तरफ आए और उन्होंने कहा कि आप लोग हमारे मुद्दों को जनपटल पर रखने का काम करें, जिसके आधार पर जोहार सिरपुर फाउंडेशन ने SIS के बोकारो डिवीज़न में जाकर एक शिकायत पत्र दिया 7वां महीना में, जुलाई में। और ये शिकायत दिया गया कि पहले झारखंड का जो गैजेट है, उस गैजेट के आधार पर 75% के आधार पर पहले नियोजन में क्षेत्रीय लोगों को, प्रभावित क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता दिया जाए। उसके बाद से अभी तक बहाली बंद है और उसी बात को हम लोग आगे ले जाते हुए SP बोकारो के जो हमारे अधीक्षक हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, उनको हमने अवगत कराने का काम किया। साथ ही साथ बोकारो के उपायुक्त महोदय, उनको भी हम लोग एक लिखित तौर पर शिकायत दिए हैं कि जो भी बहाली हो उन बहालियों में विस्थापित, रैयत और प्रभावित क्षेत्र के लोगों को पहले प्राथमिकता दिया जाए। और आने वाले दिन में हो सकता है अगर इस पर काम नहीं किया गया तो जो प्रभावित क्षेत्र के जो लोग हैं, हो सकता है कि आक्रोशित होंगे और आक्रोशित होने से विधि व्यवस्था खराब हो सकती है। तो हम सरकार से पर हमारे बोकारो प्रशासन से विशेष आग्रह करेंगे, महोदय DC महोदय से विशेष आग्रह करेंगे कि इन मुद्दों पर अपना ध्यान आकर्षित करने का काम करें और उचित जाँच कर नियोजन देने का, क्षेत्रीय लोगों को, प्रभावित लोगों को नियोजन देने का काम करें। आए दिन झारखंड ही जो रोजगार में नियोजन नहीं पाने का रीजन ये है कि लोग बाहर से लोग आ रहे हैं। जितने भी लोगों का नियोजन दिया गया, 20 लोगों का मिनिमम नियोजन दिया गया, जिसमें 20 के 20 लोग बोकारो जिला के क्षेत्रीय प्रभावित क्षेत्र से नहीं आते हैं। और इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वर्तमान सरकार ये कहती है कि नियोजन में 75% क्षेत्र के लोगों को नौकरी मिलना चाहिए, प्रभावित क्षेत्र के लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। तो हम आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहेंगे कि ये मैसेज सरकार तक पहुँचे और जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग जिनको वाकई में उस नौकरी के हकदार हैं, उनको ये नौकरी मिलना चाहिए। हम अपने सभी साथी जितने भी हैं, मनोज बाबू हैं, आकाश बाबू हैं, जितने भी हैं, सभी इस कार्य में लगे हुए हैं और इसमें आप लोगों का सबका सहयोग चाहिए। जोहार, नमस्कार।